अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीडियन, जो कि आपका एक पोजिशनल एवरेज है, इसके साथ साथ हम मोड भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज मीडियन? मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू इन ए सीरीज। एक अगर कोई आपके पास रो है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स है, उसमें मिडल में कौन है, तो वो मीडियन बताएगा आपको। एंड हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, तो देखिए आपके पास इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, मीडियन आपको समझ में आ गया है कि आपके पास, आप जब सीरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं, तो कौन सी वैल्यू आपकी मिडल में आएगी, ये आपका मीडियन कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, तो देखो आपके पास पता है हमने इंडिविजुअल सीरीज होती है, तो उसमें आता है एन वन एन प्लस में वन डिवाइड में टू, सिंपल सा काम करना आपने। अगर आपके पास ओड सीरीज है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, एन वन एन प्लस में वन डिवाइड में टू इज इक्वल टू आपका मीडियन आ जाएगा। हाउ, देखो कैसे बताना आपको इसका मीडियन क्या है। आपके पास वैल्यू है 297348, इसमें मीडियन क्या होगा? इसमें मीडियन क्या है? इसमें मीडियन क्या है? सेवन। देखते हैं भाई, एक और वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू और ले ली मैंने, टेन। ठीक है, एक वैल्यू ले ली मैंने टेन। फर्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो होगा इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो पहले क्या लिखो, टू, फिर थ्री, फिर तो देखो आपका क्या है, n प्लस में वन डिवाइड में टू, n कितने हैं, सेवन। तो फोर्थ आइटम ढूंढो, सेवन आ गया, फोर्थ आइटम आ गया। यहाँ पर क्या आएगा, सेवन प्लस में वन इज इक्वल टू टू, यानी फोर्थ आइटम, और फोर्थ पे कौन सा आया था, सेवन। आ गया समझ में? क्लियर हो गई ये बात? अब आपने निकाल दिया ये क्या, मीडियन। अब आप दूसरी चीज देखिए, आपकी एक ये सीरीज है 2, 8, 3, 4, एंड इसमें आपने सिर्फ मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का ये, तो वो तो ओड सीरीज थी, इवन सीरीज होगी। इवन मतलब नंबर आपके सम आ रहे हैं, 2, 4, 6 आइटम ऐसे हैं। पहले आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है 2, 3, 4 और 8। अगर आपकी सीरीज हो इवन, तो आपको पहले तो फॉर्मूला यही लगाइए, एन प्लस वन डिवाइड में टू। तो क्या आया, 4, 1 प्लस में टू, यानी 2.5 आइटम, 2.5 यानी जो आपका है। तो देखो सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा, इन दोनों का एवरेज कर लो। 3 और 4 कितना हो गया, 7 डिवाइड में 2, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई, 3.5। आई बात समझ में? हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन ओड सीरीज एज वेल एज इन इवन सीरीज। 3.5 आइटम आ गया, वैल्यू आ गई है। आइटम तो आपका 2.5 आ गया था, और वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली दोनों के एवरेज से। ठीक है, हो गई? नहीं है तो बता देना, क्लियर ना हो तो। ये देखो, ये एक ही वैल्यू थी 2, जैसे मैं वैसे लिख देता हूँ 3 और 8, सिंपल सा देख लो, 2, 3, 8 आपके पास वैल्यू आ गई। और भी लगा लो, 10 आ गया और आपके आ गया 12। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, एन प्लस में वन डिवाइड में टू, यहाँ पर 5 है, 1 ऐड करो, 2 से करो, 3 आ गया। थर्ड आइटम आपका क्या होगा, मीडियन, तो थर्ड पे क्या, 8, तो 8 वैल्यू आपकी क्या हो गई, मीडियन। एक तो ये चीज़ थी, एक वैल्यू और ऐड कर दी जो कि 15 थी। ठीक है, अब ये इवन सीरीज बन गई, और इवन सीरीज बनते ही आपका, हमें पता है ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला। तो यहाँ पर आइटम हो गए 6 प्लस में 1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आया 7th डिवाइड में 2, यानी 3.5th आइटम। अब 3.5 कैसे निकलेगा, जो थर्ड आइटम है और फोर्थ आइटम दोनों को टोटल कर लो। ठीक है, थर्ड प्लस में फोर्थ डिवाइड में 2, तो यहाँ पर 8 प्लस में 10 डिवाइड में 2, यानी 18 डिवाइड में 2, 9 आपका मीडियन आ गया। आगे देखो, अगर आपके पास हो कंटिन्यूअस सीरीज, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन हम फिर भी देखेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। सिंपल सा आपने लगाना है क्या, एन डिवाइड में टू, एन डिवाइड में, सबसे पहले निकालना एन डिवाइड में टू, फिर उसके बाद ये निकालिए, उसके बाद देखो L1 जो आपका लोवेस्ट है, देखो कैसे अभी बताएंगे, प्लस में एन डिवाइड में टू, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस पर कितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है वो, डिवाइड में फ्रीक्वेंसीज, उस लेवल पर फ्रीक्वेंसीज क्या है, मल्टीप्लाई में आई, आई मतलब इंटरवल, आई मतलब आपकी इंटरवल, आपका निकल जाएगा ये मीडियन। देखो कैसे, अभी हम देखते हैं, एक सीरीज बनाओ मीडियन की। वैसे मुझे ये कराने की ज़्यादा मतलब एग्जाम में अपना आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोल्व कर लेते हैं। ठीक है,
आपके पास ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, बस इतना ले लो। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी जो भी इसके पास है, और यहाँ पर लिख दीजिए सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो जैसे आपने लिखा क्या फ्रीक्वेंसी लिखो, यहाँ पर लिखा 5, 8, 13, 20 और इसको टोटल इस तरीके से कर लेना कि आपका सिंपल सा आ जाए, कितना आया 13, 13, 26, 46 और 4, 50 आ गया ना। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है मीडियन का, क्या था L1 प्लस में M2 माइनस में डिवाइड में मल्टीप्लाई इंटरवल। ठीक है, सबसे पहले M2 कैलकुलेट करना है, क्या करना है आपने N2 N कितना आपका 50 डिवाइड में 2, तो कितना आ गया आपके पास 25th आइटम। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 26 और यहाँ पर आ गया 46 और यहाँ पर 50, इस तरीके से आ गया। अब देखो ध्यान से देखिए, इस सीरीज में कहीं ना कहीं आपका मीडियन है क्योंकि 26 आइटम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक बात है, 25 आइटम यहाँ पर आएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको ये सी एफ और जो ये दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। देखो ये तो हो गई आपकी, इससे ऊपर वाली जो चीज़ें होगी वो तो होगी सी एफ, क्या होगी ये आपकी हो गई है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे ऊपर वाली सी एफ होती है, इससे ऊपर वाली तक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज है ना, वो इसलिए माइनस की गई है वहाँ पे, और ये फ्रीक्वेंसीज हो गई और ये आपकी L1 हो गया और ये आपका इंटरवल हो गया 10 का। अब सारा डेटा मिल गया आपके पास, तो यानी आपकी वैल्यू क्या आई आपके पास, यहाँ पर देखो कितना है 20 प्लस में 25 कर ले सीधा, माइनस में 13 डिवाइड में 13 मल्टीप्लाई आपका 10, इसको आप सोल्व कर ले आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 20 प्लस में कितना आया 12 डिवाइड में 13 मल्टीप्लाई 10, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो 130, कितनी वैल्यू आती है 120 को 13 से डिवाइड कर लो और उसमें 20 में ऐड कर दो। ठीक है, 120 डिवाइड में 13, इसको सोल्व कर लेना आप, तो आपका क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे कैलकुलेट करना है, सी एफ यहाँ लगाते हैं, एफ यहाँ पे आते हैं और एफ L1 आते हैं। जो स्टूडेंट जब बीकॉम के स्टूडेंट जब कर रहे होते हैं ना, उनको बस यही प्रॉब्लम आती है, और जो टीचर होता है वो उनको यही क्लियर नहीं कर पाता कि व्हाट इज सी एफ, व्हाट इज एफ एंड व्हाट इज L1। अब आगे देखिए, मीडियन आपने तीनों सीरीज में कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मीडियन इज द, मीडियन क्या है, सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन। देखो क्या है एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब होता है प्लस माइनस को आप इग्नोर कर देंगे आइटम्स का, मीडियन आपका लीस्ट आएगा, मीडियन से आपका जो सम आएगा डेविएशन का, एब्सोल्यूट डेविएशन मींस प्लस माइनस इग्नोर, वो आपका किससे कम आएगा, मीडियन से कम आएगा। मेरी ये प्रॉपर्टी समझ में आई, अभी नहीं आई तो आप समझोगे। देखो कैसे, एक कोई सीरीज बनाओ एक्स की, कोई भी सीरीज बोलो, बोलो ऐसे नहीं, कोई भी वैल्यू बोलो 10, 20, 30 नहीं बोलना, नहीं तो फिर वो 25, 32 यहाँ पर लिख लिया हमने, कम कर लो 17 लिख लिया। ठीक है, चलो ये 5 आइटम हो गए, ठीक बात है, इसका टोटल करो कितना आया, समीशन एक्स करो बताओ कितना आया 20, 30, हाँ कितना आया 104 आया है, तो 104 को ना थोड़ा ठीक कर लेते हैं और इसको मैं 13 कर लेता हूँ, मैंने क्या कर लिया 13 कर लिया और ये आपके पास आ गया 100 है ना। तो ये आपका मीन आ गया 20 और मीडियन कितना आ गया, मीडियन करने के लिए आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 10, 20 मीडियन भी 20 आ रहा है इसका, है ना, ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि 20 आ जाए, इट्स नॉट करेक्ट आंसर। ठीक है, मीडियन 20 नहीं आना चाहिए, मीडियन आपका
कमाना चाहिए। जैसे मैंने इसको क्या किया, इसको तो कर दिया मैंने 22, दो बढ़ा दी ना, और इसको कर दिया मैंने 23। मीन तो आ गया 20 और मीडियन आ जाएगा 22, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे हम। जैसे 10, 13, 22, तो मीडियन कितना आ गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ लीजिए एक्स माइनस में मीन, ठीक है, और यहाँ पर लीजिए एक्स माइनस में मीडियन, करें आप, ठीक है। एक्स माइनस मीन, ये आपको एक प्रॉपर्टी है, क्या है बताओ, क्या है, जीरो आएगी, मीन से आपकी जीरो आएगी, यही बात है ना। लेकिन मैं कहता हूँ आपको ना एब्सोल्यूट डिवीजन लेना है। एब्सोल्यूट डिवीजन का मतलब है प्लस माइनस आपने इग्नोर करने हैं, प्लस माइनस आपने इग्नोर करने हैं, ठीक है। मीन कितना है 20, तो ये आपके आ गया 10, ये आपके आ गया 2, ये आपके पास आ गया 3, ये आपके पास आ गया 12, और ये आपके पास आ गया 7, प्लस माइनस आपने इग्नोर किए, मॉड्यूलस कर दिया, तो वैल्यू देखो कितनी आई, 10 और 2, 12 और 3, 15, 27, और ये आपके आ गए 34 वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है। अब मीडियन से देखो, 22 है मीडियन, 10 माइनस 22 कितना आया 12, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका आया 10, और ये आपके आया 9। वैल्यू कैलकुलेट करना, 32 आया ना। देखो आपने ये चीज़ निकाली है, अगर आप मीन माइनस एक्स माइनस मीन कर रहे हो और उसका मॉड्यूलस कर रहे हो, उसका सम कर रहे हो, तो वो तो आया 34। और अगर ये चीज़ आपने ऐसे की है, एक्स माइनस मीडियन किया है और उसका किया है सम, तो वो वैल्यू आई आपकी 32। अब एक प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी, अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन निकाल रहे हो तो मीडियन से कम आएगा, ठीक है प्रॉपर्टी। आगे समझ में, याद रखना क्या क्या प्रॉपर्टी रिलेट करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, अगर आप डेविएशन ले रहे हो अरिथमेटिक मीन से तो वो जीरो आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आई, अगर आप मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हो और मीन से भी ले रहे हो तो मीडियन से कम आएगा। प्रॉपर्टी क्लियर कर लो अपने आप को, अपने आप की। दूसरा, आपने देखा था कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन की जो अरिथमेटिक मीन की थी वो अज्यूम मीन के साथ कंपेयर करके लिखी थी आपने, समझ में आ गई बात, ठीक है। प्रॉपर्टी क्लियर है सारी की सारी या नहीं, ठीक है। एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, मीडियन की, मीडियन की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, कि अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हो तो मीडियन से कम आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, आ जाओ भाई, मेरिट क्या क्या है मीडियन की। देखो कभी भी ये, कभी भी कोई भी, अगर आपका पोजिशनल एवरेज है एक्सट्रीम वैल्यू सा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ी मेरिट है इनकी, ठीक है। ग्राफिकली प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है, किसे दिखाते हैं, ओगाई को या आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। दूसरा क्या है, अब देखो जब भी आपको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की स्टडी करनी हो, फॉर एग्जाम्पल हु इज द ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, तो मीडियन बता देगा। अब बता दे कि हाइट में, हाइट किसकी ज़्यादा है, तो बता देगा भाई ये सब दिख रहा है, बीच में कौन बैठा है, ठीक है, ब्यूटीफुल ज़्यादा कौन है, तो उन्होंने एवरेज बेसिस, आप